तल से लुटानी प्रसंग है। जे प्रसंग के माध्यम से सुनबे कोना भक्त है, भगवान के परेशान कह रही है बाबूजी। भगवान के महिमा ऐ दुनिया में यगम अपार ला गई है। आ कोई पावे न पार गुन गाबैया हजार, भक्त करिए जय जयकार। भगवान के माया कहीं धूप कहीं छाया, जियो आए धर्मराज बाबा ठाकुर जी। किदली जंगल में चुधो पथ गुसाए, समाधान है गलिए। जय जगत ज्योति बाबा किदली में तप करे रहे, तपो भूमि स्थल पर बाबू जी। ज्योति बाबा की पंचभौतिक शरीर किदली जंगल में तप करेत करेत ऐ मिट्टी में मिल गले। ज्योति बाबा के शरीर किदली जंगल में तप करेत करेत ऊंच दिबरा के भीड़ बन गले। ज्योति बाबा के पंचभौतिक शरीर पर किदली में डाब कूस जन्म गले। चीटी पिपूल बास ले लल के बाबू धर्मराज बाबा बजरंग बली के कहल के महावीर जी, ज्योति के जय पंच भौतिक शरीर केदली में मिट्टी में मिल गले, उच्च दिवरा के भीड़ बन गले, डाब कोस जन्म गले, चीटी पिपूल बास ले लल के। ए उच्च दिवरा के भीड़ के पलटा दियो और चौधो पत गोसे के कहियो, ए मिट्टी में से ज्योति के हड्डी अस्थि के निकाल के साफ क्या के चादर पर रखने जीते। हम ज्योति के जे जगह के जे आठो हम शरीर के हड्डी अस्थि छे कर पुरजा के जोड़ने जेबे। बाबूजी बजरंग बली केदली जंगल में ऊंच दिवरा के भीड़ के पलटा दे छे। चौधो पत गोसाई मिट्टी में से हड्डी अस्थि के निकाल के साफ क्या के चादर पर राखिए। धर्मराज बाबा जोड़ने जाय छे। भगवान जब आठो अंग शरीर के जोड़ दल के भगवान निहार के देखे जे ज्योति ज्योति के आठो अंग शरीर के हड्डी अस्थि जुटलिए कि एको गो अंग कमी है। भगवान माया भी ठाकुर जी देखिए ते ज्योति बाबा के बाया पहुंचा बाया हाथ के कोगो हड्डी अस्थि नहीं रहे जूटल। धर्मराज बाबा बजरंग बली के कहल के महावीर जी, ज्योति के बाया पहुंचा यानी बाया हाथ के कोगो हड्डी अस्थि जूटल नहीं है। सेने ते पता लगाबो ज्योति के बाया पहुंचा के लागले केदली जंगल से। अगर ज्योति के बाया पहुंचा केदली में नहीं मिलते, ज्योति केदली से अपंग भय के पोपी नगरी जन्म स्थान जैते। रास्ता में गिबार भैसान साधु संत ऋषि मुनि महंत तपस्या के लोग सब देखते, सब हंस दुस के मारते, कहते देखन बारह बरस तप करेने गेले, आज तप क्या के जन्म भूमि स्थान जा रहले है, और फिर भी ओपंग बनल जा रहले है। से नहीं तो पता लगाबू जे ज्योति के पाया पहुंचाए केदली जंगल से के लाग लई है। बजरंग बली कल के सरकार ज्योति के संग में एगो कोयली एले। एक बार कोयली से पूछल जाए,
बजरंग बली कोयली के आवाज लगावे, कोयली अले कोयली से पूछे ये कोयली ज्योति के संग साथ तू केदली जंगल ले ली। कोयली कल के हाँ सरकार धर्मराज बा कल के ज्योति के संग साथ ली तो ज्योति के बाया पहुँचाए केदली में नहीं मिले छे सेने ते तोरा रखबारी में तोरा गुरु बाबा के बाया पहुँचा चोरियो भेलो ये धर्मराज बाबा के शब्द बानी कोयली सुनई है कोयली के आंख से आंसू गिरे लागले कोयली केदली में काने लागले सरकार जय दिन से गुरु बाबा केदली जंगल ले ले और गुरु बाबा केदली में ताप करना है शुरू कलकै सब दिन गुरु बाबा के मुखार बरिन से केदली में सतनाम सत्यनाम सतनाम के उच्चारण केदली में सो नहीं रही। अचानक दो दिन पहने गुरु बाबा के पंच भौतिक शरीर केदली में मिट्टी में मिल गले ऊंच दिवरा के भीड़ बन गले डाब कुश जन्म गले चीटी पिपुल बास ला ललके फिर भी ये मिट्टी से सतनाम के आवाज हमरा कान में सुनाई दे रहे। अचानक दो दिन पहने ऊंच दिवरा के भीड़ से सतनाम के आवाज बंद भए गले आवाज जे बंद भए गले हमरा मन में शंका समय गले जे आप गुरु बाबा लागे छे चोला चाम के तियाए की दिलकई से नहीं तब मन में सोचलिए गुरु बाबा मर गले से नहीं ते संवाद गुरु बाबा के वंश खानदान पोपी नगरी में पहुंचा दिल जाए एक दिन के रखबारी मां बंदेवी मां बंसप्तो पर छोड़ के हम केदली से गुरु बाबा के जन्म स्थान पोपी नगरी गलिए गुरु बाबा के संवाद पहुंचावे के लिए ते से नहीं ते एक बार मां बंदेवी मां बंसप्तो से पूछल जाए जे गुरु बाबा के बाया पहुंचाए केदली से के लागे लिए धर्मराज बाबा बजरंग बली के कल के केदली बजरंग बली ते केदली जंगल में बन सप्तों के पुकार करियो बजरंग बली बन सप्तों के आवाज लगेल के बन सप्तों अहिले धर्मराज बाबा कल के गे बंदे भी एक दिन ज्योति के रखवारी के लिए ज्योति के बाया पहुंचा बाया हाथ नहीं मिले छे सेने ते तू ज्योति के बाया पहुंचा लेबो के लिए मां बन सप्तों कल जुड़ल के हां सरकार हम ले लो गुरु बाबा के बाया पहुंचा धर्मराज बाबा कल के कौन कारण मां बन सब तो कल के सरकार सुनो ने एक दिन हम हो केदली जंगल में गुरु बाबा के रखबारी कैली यही है एक दिन हम वही केदली जंगल में गुरु बाबा के रखबारी कैली यही है धर्म के नाम में हाथ के बटली यही है हमरो ना सबके आशीर्वाद किछ ने किछ मिले के चाही धर्मराज बाबा कल के गे बन सप्तो गे बंदे भी एक दिन ये तू एक केदली में ज्योति के रखबारी के लिए धर्म के नाम में हाथ के बटली है जे सब देवता मिल के तोरा वरदान दै छियो आशीर्वाद दै छियो जे तोहर नाम सुमर के को जंगल झाड़ में कोई भी साधु संत ऋषि मुनि महंत तपस्या ब्रह्मचारी श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पण के साथ जंगल में रह जेते तो तोरा कूस की कले नहीं लागते
माँ बन सब तो ज्योति बाबा के बाया पहुंचा जा दल के धर्मराज बाबा जोर दल के अमृत जल के छिड़कों क्या दल के ज्योति बाबा के हार मांस हड्डी में जुट गले। आप धर्मराज बाबा जीवात्मा के कहते जे पिंजरा में तू प्रवेश कर। वैसे पहिने चौधो पत गोसाई बजरंग बली से कह दे यहां सब केदली में छिप के बैठ जाओ किया है आज ज्योति के 12 बरस पर आंख खुलते है। आंख जो खुलते कर लाल पीला होते है। एकरा नजर के सामना में कोई रहबे कहे क्रोध बस दुर्भाग निकल जेते ते बिरथा न होई देव ऋषि बानी कर्मानी व्यर्थ नहीं हुई थी किया केदली में 12 बरस तप कल के एकरा बानी में शुद्धता चल रही है जकरा जे कह देते ओकरा पाई जीते जे। बजरंग बली चौधो पत गोसाई केदली में छीप के बैठ गले अजीब आत्मा रे बाबूजी जय जगत ज्योति बाबा तप करे रहे तपोभूमि स्थल पर धर्मराज बाबा ज्योति बाबा के जीव आत्मा से कहे ज्योति की जीव आत्मा इशारा करे है जे ज्योति की जीव आत्मा चला पिंजरा में तू प्रवेश कर। जीव आत्मा कल के सरकार आप हमारा पिंजरा में प्रवेश करे के लिए नहीं कहियो। धर्मराज बकल के किया किया ने तू पिंजरा में प्रवेश करबो जीव आत्मा कल के सरकार सुनो ने ऐ संसार में मानव के जते दुख हुई है सब दुख ऐ पिंजरा के मिल लई इस संसार में मानव के जतेक दुख होई छे सब दुख है पिंजरा को मिल लई है। आप दुख सहे के पिंजरा के तनियों को क्षमता नहीं है। धर्मराज बाबा कल के ज्योति के जीवात्मा सुना ने मानव जब जन्म ले छे तो मानव के कभी दुख होय छे तो कभी सुख होय छे। दुख सुख दोनों भाई छे जहिना नदी में दो किनार होय छे वह समान दुख सुख दोनों भाई छे। आप पिंजरा के दुखक समय टल गेलैये पिंजरा के सुखक समय अइले जल्दी तो पिंजरा में प्रवेश कर। आगे चल के पिंजरा के सुखे सुख होते बाबूजी ठाकुर जी के कहे के अनुसार जी आत्मा पिंजरा में प्रवेश करे के लिए तैयार भ गले। बाबूजी ता तक में धर्मराज वायु वृक्ष के ओट में छिप के बैठ गले। भगवान मन में सोचल कहे ऐ ज्योति के 12 बरस पर आंख खुलते आंख लाल पीला होते एकरा नजर के सामना में हम रहबे हमरा पर नजर पड़ जेते क्रोध बस कहे हमरे मुखार ब्रिन से कुछ कह नहीं दी। भगवान केदली में वृक्ष के ओट में छिप के बैठ गले जहिना जीवात्मा पिंजरा में प्रवेश के लिए जहिना सूतल मानव कांच निंद जागई है निंद्रा के त्यागई है ओई समान ज्योति बाबा केदली जंगल में ध्यान से सुनबई बाबूजी आराम केदली के राजा अहोराम
करो ज्योति बाबा, खार होइए के डाली ध्यान से सुनबे ज्योति बाबा कदली जंगल में राम नाम को उच्चारण कह के कदली में खड़ा भ गए। ज्योति बाबा अपना मन में सोचे लागल हम ते कदली जंगल ताप करे ले लिए है, भगवान के लिखल दुख के भोगे ने कदली लिए है, दोसर के देवी देवता मानव जंगल में चल अलै, हम ताप कर रही है, हमारा ताप के भंग क्या दल कहिए, ताप के नींद में कदली में सुतल रही है, कांच नींद जगा दल कहिए, जंगल में दैत बहुत विचार समरा तप के भंग क्या दल कह, तप के नींद में सुतल रही है, कांच नींद जगा दल कही है, के कारण कदली में कौन चीज बिगाड़ दलिए, जे हमरा तप के भंग क्या दल कही है, ज्योति बाबा के गली जंगल में जय हो, चारों बगल नजारत खिरा दलकैया, जब ज्योति बाबा के कदली में ककरे पर नजर नहीं पड़ल, तब ज्योति बाबा मुंह से आवाज लगा रे दुश्मन,
तप के नींद में सुतल रही है, कांच नींद जगा दिली है। जल्दी हमरा नजर के सामना हो, अगर नजर के सामना नहीं है भी तो केदरी जंगल में हम बारह बरस ताप के लिए है। कई क्रोध बस हमरा मुखार बरिन से दुर्भाग निकल जाए तो केदरी जंगल में जेल के भाग भाग जाएगी तू। ये तेरे भाषा मारे दुश्मन मारे जली तर भाषा मारे तेरे भाई जो मैं दुश्मन माना मारे के ताली रे के बैठल रहे दरबार मार में ज्योति बना जय कदली के राजा ए तपस्या किया गुस्सा करे छो किया क्रोधित भा रहल छो तो
बृंद मां बहन बाबू हरियाणा धर्मराज बाबा ज्योति बुआ के आगे चल गए और ज्योति बुआ के कह केदली के राजा चौकिया गुस्सा करे चौकिया क्रोधित भा रहा हो दोस्तों के बुलाए केदली में कांच नहीं जगेता तेरा तप के भंग करता हो किडली के राजा कर तू की बिगाड़ चल हो ये तेरा तप के भंग क्या देता केदली में धर्मराज बाबा ज्योति बाबा के केदली के राजा हे हो तपस्या आओ हो हम ही हो तू सभा के राजा हो हम ही हो दुष्टा हम दैया बन के तपसिया ये हो क्या गली में दलिया तोरा केदली के राजा